हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम एनालिसिस करेंगे TCS का। इसके पीछे क्या रीज़न है, ऑलरेडी हमने कल आज मॉर्निंग के सेशन में अपने मेंबर्स के लिए वीडियो बना के दिया था, उसको पब्लिक भी किया 3:30 के बाद, आप लोगों ने देखा होगा। और जिन लोगों ने मॉर्निंग के सेशन में देखा उसका प्रॉफिट भी बुक किया, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि TCS में आपने ऐसा क्या देखा, ऑलरेडी फ्राइडे को ऊपरी लेवल पे क्लोज हुआ था और आपने सुबह उसी रेट पे बोल दिया, क्या रीज़न था। तो सारा गेम डेटा एनालिसिस का है और इस वीडियो के माध्यम से कोई भी सलाह नहीं दिया जा रहा है कि इस स्टॉक को क्या करना चाहिए, खरीदना या बेचना चाहिए। ये ओनली मेरा व्यू है और मेरा एजुकेशनल व्यू है, और व्यू से पहले ऑलरेडी ये व्यू एग्जीक्यूट भी कर गया है, तो उसी के लिए मैं ये एनालिसिस देखने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। ये लर्निंग का पार्ट, इसको लर्न अगर आप करेंगे, और मेरी कोशिश भी रहेगी कि जो भी मैं स्टॉक एनालिसिस करूंगा ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद, ज़रूर उसके पीछे स्टडी शेयर करूंगा कि आखिर मैंने ऐसा क्या चीज़ देखा। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमने 2020 का जो क्लोजिंग प्राइस था उसी का दोनों का कॉल पुट एनालिसिस का डेटा ओपन कर लिया है। और आप देखेंगे ये 30 के आसपास की क्लोजिंग हुआ है पुट में, और इसमें ह्यूज ओपन इंटरेस्ट, मीन्स कि आप देखेंगे 200% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। मीन्स फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 9250 के आसपास ओपन इंटरेस्ट टोटल ऐड हुआ है। टोटल ओपन इंटरेस्ट इसमें 99,000 के आसपास चला गया, और उसी उसी के कॉल ऑप्शन में 44,000 में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट देखा गया। तो ये क्लियर सी बात है कि ये जो ब्रेकआउट, मीन्स कि इसका जो ब्रेकआउट लेवल था 29 रुपीज़ के आसपास था, और ब्रेकआउट से ये ऑलमोस्ट जो कॉल ऑप्शन है ब्रेकआउट के नीचे ट्रेड कर रहा था, ब्रेकआउट लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा था। इतनी तेजी आने के बाद ब्रेकआउट से नीचे ट्रेड करना और ह्यूज ओपन इंटरेस्ट ऐड होना, ये दर्शाता था कि ये इस कॉल ऑप्शन में ह्यूज राइटिंग हो रहा है, और आज सुबह भी राइटिंग देखा गया है इस कॉल ऑप्शन में। तो ये मैंने पहले ही रडार पे आ गया था कि TCS में ये ऑलमोस्ट टॉप के आसपास है, और ये टॉप गिरने के लिए अच्छा खासा देख कि इसमें ट्रेड लिया जा सकता है डाउन साइड के लिए। और ओवरऑल ये जो ब्रेकआउट लेवल था पुट ऑप्शन में, इसमें निचले लेवल से अचानक से बाइंग देखी गई, पुट ऑप्शन में बाइंग देखा जाना ये दर्शाता था कि ये इसमें 9,000, जो कि कल तक उसके पहले इसमें बहुत ही कम ओपन इंटरेस्ट था, डबल, जैसे कि मीन्स आप समझो 2 टाइम्स ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड होना, मीन्स कि 2,000 3,000 ओपन इंटरेस्ट से ये 9,000 हो जाना है, इट्स मीन्स दर्शा रहा था कि यहाँ पे इस पुट को बाई किया जा रहा है, 54 के ब्रेकआउट के लिए बाई किया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट 30 के आसपास की ये क्लोजिंग हुई थी। ओवरऑल ये आप देख भी रहे, पुट जो है मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ, ये सॉरी नीचे की तरफ ये क्लोज भी किया है लगभग 30 के आसपास का, और ये ब्रेकआउट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल इसमें एक बाउंस बैक आने की पूरी पूरी आसार था। और पुट कॉल रेशियो अगर देखा जाए तो 0.21, ये कहीं ना कहीं इसमें पुट में तेजी और कॉल में गिरावट का सिग्नल दे रहा था, और उस कारण से इसमें एक तेजी देखे जाने की संभावना थी। तो एक पैरामीटर नहीं, दूसरा पैरामीटर भी मैं शेयर करूंगा। दूसरा पैरामीटर आप देख रहे हैं RSI लगभग डबल टॉप के आसपास जा रहा है। ये 1 महीने का चार्ट है स्टॉक का, कैश का, और ये 60 63 के आसपास ये ऑलमोस्ट वहीं चला गया था डाइवर्जन होने के लिए, इसको नीचे आना कंपल्सरी था, और प्राइस लेवल भी वही टच किया है। ये जो हाई था ये लगभग 2 या 2 मई का ये ऑलमोस्ट हाई है, उसी हाई को ये ऑलमोस्ट टच करके रिवर्सल देने के लिए ये स्टॉक तैयारी कर रहा था। और 20 डीमा का जो लेवल है लगभग 1923 1923, और आज का लो भी आप देखेंगे तो 1923 के आसपास, फ्यूचर में हमने यही लेवल देखा भी है 1923 के आसपास, तो एग्जैक्ट 20 डीमा के आसपास आकर के बाउंस लिया इस स्टॉक ने। सेकेंड, तीसरा फिल्टर ये था RSI के साथ साथ, ये 20 दिन के चार्ट पे डबल टॉप के साथ साथ
सेकेंड एफ एंड ओ, एफ एंड ओ एनालिसिस अगर हम करेंगे तो एफ एंड ओ एनालिसिस में ये पीसीआर का पुट कॉल रेशियो का बार चार्ट है। बार चार्ट आप देखेंगे कि ये लगभग ये इतने दिनों से ये 80.8 के आसपास ओवरबॉट जोन में चला जाता है। ये अचानक से नीचे से बाइंग देखी गई थी जिस कारण से ये 1.02 गया, लेकिन उसके बाद हम डाउन ट्रेंड में है, तो जब भी डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक आ जाता है तो 0.8 को पार करना इसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो 0.8 के आसपास ये टॉप आउट कर रहा था। एवरेज आप देखेंगे 0.8 एक बहुत बड़ा हैडल है टीसीएस के लिए पुट कॉल रेशियो। तो ये सेकंड थिंग, ओपन इंटरेस्ट में गिरावट हो रही थी। आप देखेंगे ओवरऑल यहाँ से तेजी हुई निचले लेवल से, ये शॉर्ट कवरिंग ऊपर से जो ओपन इंटरेस्ट था ये अचानक से यहाँ बढ़ा, तेजी के लिए बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, यहाँ से घटना शुरू हो गया और घटते घटते हम नीचे की तरफ आ गए। पार्शियली मीन्स कि ये तेजी में लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, प्रॉफिट बुकिंग था, और कहीं ना कहीं जाकर के ये फ्राइडे को क्लियर हो गया था कि इस तेजी में जाकर के मैक्सिमम लोग प्रॉफिट बुक कर लिए। और ये लेवल लगभग यहाँ के लेवल के बराबर है, ये लेवल जो है लगभग आप देखेंगे तो ये पुट कॉल रेशियो लगभग 6 लाख के आसपास, 6 लाख के आसपास अगर ओपन इंटरेस्ट खिसक के आ जाता है नीचे की तरफ, तो ओपन इंटरेस्ट का बार चार्ट है तो कहीं ना कहीं फिर इस स्टॉक में सपोर्ट ढूंढा जा सकता है। तो ये पुट ओपन इंटरेस्ट, पुट कॉल रेशियो, एफ एंड ओ और कैश के आरएसए के डेटा के बेसिस पे इजीली एनालाइज हो जा रहा है कि इस स्टॉक का टॉप बन गया था और आज ये कम से कम 50 से 60 रुपये गिरने की मेरा प्रेडिक्शन था, हम लगभग 90 रुपये फॉल किए। तो ये है एनालिसिस, अगर एनालिसिस आप परफेक्ट करते हैं तो ज़रूर पैसे बनने के चांसेस होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।